नाम भाई, यू तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी XL6 का जो पर्टिकुलरली जो वेरिएंट है, जेटा वेरिएंट, इसमें आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, इसकी क्या प्राइसिंग रहने वाली है, उन सबके बारे में इस वीडियो में यहाँ पे आप हम बात करेंगे। मतलब एक तरीके से अर्टिगा ही है, लेकिन अर्टिगा का थोड़ा सा स्पोर्टी वर्जन इसको आप यहाँ पे मान सकते हैं। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिलती है, इसमें आपको टायर साइज थोड़ा सा आप मिलता है, तो ये सारी चीज़ इसमें आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट से देखने में कार आपने देखी ली, किसी नजर आती है यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके हेडलैम्प जो कि आपको LED सेटअप के साथ मिलेंगे, टर्न इंडिकेटर नजर आपको हेलोजन ही मिलेगा, यहाँ पे आपको DRL मिल जाती है, ये सारी चीज़ें आप उसमें आपको मिलती है। नीचे फॉग लैम्प मिल रहे हैं, तो कार थोड़ी सी गंदी हो रही, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा इग्नोर यहाँ पे करें। सुजुकी का लोगो मिल जाता है यहाँ पे, नंबर प्लेट के लिए जगह, सिल्वर स्कफ प्लेट, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आपको जो आपकी गाड़ी टॉइंग होगी वो यहाँ पे आपको दिया गया। देखो भाई, यहाँ पे जगह जगह स्पोर्टी टच देने के लिए मारुति ने बहुत ज़्यादा काम इसमें यहाँ पे किया है। ऐसा कुछ मिलता है इसके वाइपर, वॉशर, विंडशील्ड, काफ़ी जो एरोडाइनमिकली आपको कार को अच्छा बनाने का। मतलब देखो, ये SUV के लुक के साथ में एक MPV इसको आप मान सकते हैं, MPV ही है ये। हालांकि जो कॉम्पिटिशन जब भी बात होती है तो इस कार को यहाँ पे भुला दिया जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से अर्टिगा से इसको यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। 195/60 R16 इंची के इसमें आपको टायर दिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे कार के हिसाब से। देखो, कंपनी जो भी टायर साइज देती है वो कार के हिसाब से ठीक ही होता है। यहाँ पे आपको मिल जाती है ORVM आपको जो मिलेंगे उसमें आपको टर्न इंडिकेटर मिलता है, जो कि LED स्ट्रिप सिस्टम के साथ में आपको मिलता है। यहीं पे आपको जो साइड से देखने में कार को यहाँ पे ऐसी नज़र आती है, पूरा जो कार का लुक है वो यहाँ पे कवर नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए सॉरी रहेगा। तो आपको जैसा कुछ मिलता है, इसके जो कार के जो कट्स है वो काफ़ी अच्छे मेरे को इसके लगते हैं। देखो भाई, यहाँ पे आपको बड़ा सा मिरर मिलता है, जिससे आपका जो बाहर से जो अंदर भी बैठता है थर्ड रूम, उसको कोई भी सफोकेशन फील ना हो। ऐसा मिलता है इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। अब जो इसका मेन चीज़ है वो है इसकी ट्रांसपेरेंट टेल लाइट। इसमें आपको ट्रांसपेरेंट टेल लाइट यहाँ पे दी गई है, LED टेल लाइट मिलती है, अनदर पार्ट ऑफ मतलब गुड थिंग। यहाँ पे आपको मिलता है रिवर्स लैंप वगैरह सब इसमें आपको अच्छे खासे। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर, XL6 की ब्रांडिंग, सुजुकी का लोगो, वाइपर, डिफोगर सब आपको यहाँ पे मिलता है। या वॉशर इसका जिसकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी मेरे को लगी। इसमें आप स्पॉयलर आप डलवाएं तो एकदम कार के लुक्स शानदार हो जाते हैं। यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना, हाई स्टॉप लैंप, सुजुकी का लोगो, माइक्रो हाइब्रिड, स्मार्ट हाइब्रिड की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको मिलती है। देखो, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तो इनकी सिर्फ अर्टिगा ही आती है या ग्रैंड विटारा ही आती है अभी तक, वरना इन सब में तो स्मार्ट हाइब्रिड के नाम पर सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। चारों पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं इसमें भी, जो फ्रॉन्क्स की तरह वर्टिकली प्लेस्ड आपको जो रिफ्लेक्टर यहाँ पे दिए गए हैं। अब चलते सीधा कार के अंदर चलते हैं। कार में आपको अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई, अंदर चलने से पहले सबसे पहला आता है डोर पैनल। तो डोर पैनल कार का काफ़ी प्रीमियम आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको लेदर फिनिश मिल जाती है, यहीं पे आपको डोर ओपनर, चारों पावर विंडो, ऑटोमेटिक, यहाँ पे आपको जो फोल्डेबल वॉल बीम यहाँ पे आपको मिलते हैं। देखो भाई, इतनी महंगी कार है तो इसमें आपको ऐसा तो है नहीं कि नहीं देंगे, देने ही पड़ेंगे सब चीज़ें। तो यहाँ पे आपको मिल जाती है इसका एक, इसमें आपको यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिलता है। साइड आपको मीडिया के कंट्रोल, इस साइड आपको इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड कंट्रोल, इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, जो कि अनदर एक अच्छी चीज़ है। यहीं पे आपको मिल जाता है थोड़ा सा दो ग्लब कप होल्डर, यहाँ पे आपको मिला है चार्जिंग, इसमें आपको यहाँ पे कोई भी चार्जिंग पेट नहीं। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, USB पोर्ट, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 8-7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है, अंदर अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स कूल मिलेगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी जो फिनिश है आपको, मतलब जो मार्बल टाइप है इसको मान सकते हैं ऐसी फिनिश, यहाँ पे आपको वुडन फिनिश यहाँ पे आपको दी गई है। यहाँ पे आपको जो सिल्वर लाइनिंग यहाँ पे आपको मिलती है, ORVM आपको मैनुअल मिलता है, डे नाइट ARVM, सनग्लास होल्डर मिल जाएगा कार में। यहाँ पे आपको जो दो केबिन लाइट मिलती है, इस साइड आपको जो मिरर मिल जाएगा, इस साइड आपको कोई भी मिरर वगैरह यहाँ पे नहीं दिया गया, सिर्फ टिकट होल्डर यहाँ पे आपको मिलता है। देखो, कार अंदर से आपको अर्टिगा जैसी ही लगेगी, इसमें आपको अंदर से कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। लेदर सेमी लेदर राइट सीट यहाँ पे आपको मिलती है, मतलब आधी फेब्रिक आदर। यहाँ पे आपको जो आर्मरेस्ट है वो हालांकि आपको यहाँ पे स्लाइडेबल नहीं मिलता है, जो कि अनदर एक अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि जो भी लंबा हो तो उसका हाथ फिर छोटा है, उसके हाथ की प्रॉब्लम यहाँ पे आपको लगेगी, क्योंकि इसका यहाँ पे आपको AC वेंट्स ऐसे कुछ यहाँ पे ऊपर प्लेस्ड भी यहाँ पर मिलते हैं। तो चलते कार के सीधा पीछे आपको क्या क्या मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पीछे चलने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलैम्प, लेवलर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये सारी चीज़ें इसमें आपको यहाँ पे दी गई है। चलते हैं सीधा पीछे, हाइट एडजस्टेबल सीट इसमें आपको यहाँ पे दी गई है, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी सी इसकी लगी है। चलते हैं सीधा पीछे आपको क्या क्या मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई, ऐसा कुछ दिखता है पीछे का डोर पैनल, यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको पावर विंडो, स्विच, डोर ओपनर, बॉटल होल्डर, स्पीकर। सीट को सीधा करते हैं सबसे पहले, तो इसमें 6 सीटर है, इसमें आपको 6 सीटर मिलती है XL6, इसमें आपको 6 सीटर का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है, 2 कैप्टन सीट्स मिलेगी। तो भाई, स्पेस तो दोनों में ठीक ठाक यहाँ पे आपको मिलता है, हालांकि जो कैप्टन सीट्स है ये आपको शायद मेरे को हिसाब से हाइट एडजस्टेबल यहाँ पे नहीं दी गई है, तो इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स यहाँ पे कैप्टन सीट्स नहीं मिलती है।
पैप को ऐसा कोई मिलता है जो पीछे से देखो भाई कार बिल्कुल खुली खुली, क्योंकि कैप्टन सीट्स आती है। देखो भाई मेन इसका रीज़न यही है कि ये प्रीमियम में अर्टिगा से थोड़ी सी इसको आपको प्रीमियम साइड बनाते हैं। ये जो ए सी वेंट्स यहाँ पे आपको यहाँ पर प्लेस मिलती है, इसकी जो ब्लोअर स्पीड आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं जो कि अनदर एक गुड थिंग। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट से कुछ मिलते हैं जो कि अच्छी है। जो पीछे की सीट्स है उसकी फोल्डेबल है तो उनका मैं आपको दिखा ही नहीं सकता क्योंकि वो बिल्कुल फोल्ड की हुई है, तो उनमें ज़्यादा दिखाना है जैसा कुछ है भी नहीं। स्पेस तो कार में ठीक ठाक यहाँ पे आपको दिया गया है। अगर आपकी दोनों सीटें फोल्ड होती तो आपको बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस इसमें आपको मिलता है। तो यही कुछ थी कार। तो मेन बात करते हैं इस कार के इंजन स्पेक्स की, तो इसमें आपको सेम ब्रेजा वाला 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसके पावर फिगर आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए अंकित धाकड़ चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।